नमस्कार दोस्तों, डेयरी विज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है होमोजेनाइजेशन, और इस वीडियो में हम जानेंगे वाई वी नीड होमोजेनाइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल इजी वे में। पूरा प्रोसेस समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो वाई वी नीड होमोजेनाइजेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम मिल्क को स्टोर करते हैं तो फैट जो होता है हल्का होता है, तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फैट जो है वो सेपरेट होने लगता है। एक तरफ ज़्यादा क्वांटिटी रहती है, एक तरफ लो क्वांटिटी रहती है। सो बॉटम में जो है वो लो क्वांटिटी ऑफ फैट रहेगी, और लेकिन फैट लाइटर होता है तो वो सेपरेट होकर ऊपर आने लगता है। तो इसी चीज़ को स्टेबल करने के लिए फैट इमल्शन को हम यूज़ करते हैं प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन। सो इस पिक्चर से समझते हैं कि देखिए, ये रॉ मिल्क है। रॉ मिल्क को जब तक हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसके अंदर फैट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा रहेगा, कहीं पे कम रहेगा। और अगर हम उसी रॉ मिल्क को हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं कुछ टाइम के लिए, 1 आवर, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर जैसे, तो फैट जो है वो लाइटर होने की वजह से ऊपर आने लगता है, क्योंकि डेंसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो फैट लाइटर होने की वजह से वो अपर पोर्शन में आने लगता है। बट लेकिन होमोजेनाइज्ड मिल्क को अगर हम स्टोर करते हैं तो उसके अंदर फैट इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहता है स्टोरेज के बाद भी, और लॉन्ग टर्म तक उसमें फैट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग मिल्क और एनी लिक्विड मिल्क प्रोडक्ट थ्रू स्मॉल पैसेजेस विच इज़ अराउंड 200 to 300 माइक्रोमीटर अंडर प्रेशर 2000 to 2500 PSI एट वेलोसिटीज ऑफ अप्रॉक्स 214 to 244 मीटर्स पर सेकेंड। देयर बाय सब डिविजन्स ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इज अचीव टू लेस देन 2 माइक्रोन डायमीटर। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मिल्क को फोर्स करते हैं स्मॉल पैसेजेस से पास होने के लिए, जिनका साइज़ होता है 200 to 300 माइक्रोमीटर, और हम ये काम करते हैं अंडर प्रेशर ऑफ 2000 to 2500 PSI प्रेशर एट वेलोसिटीज ऑफ 214 to 244 मीटर्स पर सेकंड, ताकि हम अचीव कर सकें 2 माइक्रोन डायमीटर से कम वाले फैट ग्लोब्यूल्स। एनिमेशन से समझ लेते हैं ये प्रोसेस में होता क्या है। तो ये देखिए एनिमेशन, ये बहुत ही नैरो पैसेजेस हैं। मिल्क को हम फोर्स कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 214 to 244 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और हाई प्रेशर से 2000 to 2500 PSI प्रेशर पे। जब हम इसको फोर्स करते हैं तो नैरो पैसेजेस में से, तो ये जो है बड़े ग्लोब्यूल्स छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस प्रोसेस की वजह से। तो द मशीन एम्प्लॉयड इज़ नोन एज होमोजेनाइजर। बेसिकली होमोजेनाइजर इज़ अ हाई प्रेशर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कंटेनिंग 3 or more पिस्टन्स। जब इस प्रोसेस को करने के लिए हम जो मशीन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं होमोजेनाइजर। तो ये है होमोजेनाइजर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है होमोजेनाइजेशन इंडेक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।